हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है चैप्टर है उसके नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। तो रेसिस्टर्स की बात कर रहे हैं। रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल कम्बिनेशन। रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल कम्बिनेशन इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल ऑफ देम इज सेम। सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। हमारे पास तीन रेसिस्टर्स है, एक R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। तीनों रेसिस्टर्स एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना। तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक वोल्टेज से सोर्स अप्लाई किया, यहाँ से I करंट जा रहा है और यहाँ से देखिए क्या होगा, I1 इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है और I3 इसमें जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों मिलके और अपने से फिर से I निकल के और यहाँ से I वापस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने देखा कि I1 I2 I3, अगर ये A है तो यहाँ का पोटेंशियल, अगर A है तो यहाँ का भी पोटेंशियल, ये A मानते हैं VA और इस पॉइंट के लिए भी VA ही होगा और ये पॉइंट भी VA ही होगा, और इधर वाले अगर B है तो ये VB ही होगा, ये VB ही होगा और ये VB होगा। और पैरेलल में हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। अब क्या करते हैं हम लोग कि अगर VA माइनस VB की बात करें, है ना, इस सारे रेसिस्टर्स को हटा के एक रेसिस्टर्स लगा दे ये R इक्विवेलेंट पैरेलल में, और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है I और ये VA है और ये VB है और यहाँ से वोल्टेज सोर्स है और यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए हमने बोला पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों की बात करें, इन दोनों के लिए तो VA माइनस VB इक्वल टू IRP, इसके लिए हमने लिखा पहले तो इक्वेशन 1 मानते हैं। अब आई जो है वो किसके इक्वल है, आई जो है 3 में निकल गया और 3 बन गया I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो I1 क्या बनेगा, अब पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो यहाँ सारे के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो I1 के लिए हम लोग यहाँ से ये वोल्टेज ड्रॉप V है, V इक्वल टू IRP, तो I इक्वल टू VYRP, I इक्वल टू क्या लिख दिए, VYRP। उसी तरह I1 के लिए क्या लिखेंगे, VYR1, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है इसके पास, VYR1 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, I2 के लिए VYR2 हो जाएगा और R3 के लिए क्या हो जाएगा, VYR3 हो जाएगा। तो VYRP और ये सारे टर्म में भी कॉमन कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बना पैरेलल में। पैरेलल में रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं और सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा पैरेलल का रेसिस्टेंस का ये। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेस को देखते हैं। स्पेशल केस क्या क्या बोलते हैं, जैसे सीरीज में स्पेशल केस देखे थे उसी तरह पैरेलल में भी कुछ स्पेशल केस को देखेंगे। पहला बोलता है ना, इफ एन रेसिस्टर्स each having resistance R are joined
आर ज्वाइंट इन पैरेलल देन नेट रेसिस्टेंस इज आर वाई एन। ठीक है, अगर एन रेसिस्टेंस पैरेलल में ज्वाइन किया जाए तो उसका जो नेट रेसिस्टेंस बनेगा वो अगर आर सेम होगा तब आर वाई एन हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा बात क्या होगा कि अगर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट है ना डिक्रीजेस, और सीरीज में क्या होता था इंक्रीज करता था, और पैरेलल में क्या होगा डिक्रीज करेगा। और थर्ड पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट रेसिस्टेंस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट रेसिस्टेंस इज लोअर या लेसर लिखो लेसर लोअर नहीं लिखे लेसर देन लिस्ट रेसिस्टेंस इन सर्किट। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होगा ना वो सबसे कम, जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर ये 1 2 3 है तो यहाँ जो आर पी निकलेगा वो सबसे छोटा से भी छोटा आएगा, यानी आर पी जो है वो 1 से भी छोटा आएगा। और दूसरा भी देख लो, अगर 11 है 25 है और 5 है तो यहाँ सबसे छोटा क्या है आर पी जो है वो सबसे छोटा से भी छोटा आने वाला है। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बात कर लिया है ना। अब कुछ देखते हैं, एक टर्म है अपने को इसमें भी और भी। अब क्या करते हैं, टू रेसिस्टर्स का एक सर्किट लेते हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ये दो रेसिस्टर है, ये आर वन है और ये आर टू है। मान लीजिए ये आर वन आर टू दो रेसिस्टर का, ये तो खत्म है। यहाँ से टू रेसिस्टर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक बैटरी सोर्स लगाए हुए हैं और यहाँ से करंट जा रहा है आई, और यहाँ इसमें जाएगा आई वन और इसमें जाएगा आई टू। अब ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो क्या होगा, कितना ड्रॉप होगा और कैसे, अगर आई वन और आई टू निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू रेसिस्टर्स, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू रेसिस्टर्स एस वन। ठीक है, तो दो रेसिस्टर्स एस वन है, तो यहाँ पे 1/RP इक्विवेलेंट की बात करें, अभी फॉर्मूला पढ़े पैरेलल में क्या होगा, 1/R1 + 1/R2। तो 1/RP अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो R1 R2 और ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1, यानी अगर इसका रिवर्स मारे तो RP बन जाएगा R1 R2 / R1 + R2। अगर दो रेसिस्टर दिया हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो लेंदी प्रोसेस इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे R1 R2 / R1 + R2। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट निकल गया। तो V बराबर क्या हो गया, V = IR, तो I यहाँ से करंट I और इनका इक्विवेलेंट RP निकल गया। तो हम बात कर ले तो हमारा हो गया R1 R2 / R1 + R2 इंटू कितना I। तो I1 क्या होगा, अब देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो I1 हो जाएगा V / R1। अब देखिए V का वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना R1 R2 / R1 + R2 इंटू I और यहाँ इसका R1। अभी R1 से एक R1 कट जाएगा तो I1 निकालना होगा, तो बनेगा R2 / R1 + R2 इंटू टोटल करेंट है ना। अगर I1 निकालना हो तो बन जाएगा R2 बटा
आर वन प्लस आर टू इंटू टोटल करंट। और वोल्टेज में याद कीजिए, वोल्टेज वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वोल्टेज निकालना पड़ेगा तो आर वन, जिसमें निकाल आर वन बट आर वन प्लस आर टू इंटू टोटल वोल्टेज, ठीक है यहाँ पे। और करंट निकालना होगा तो जस्ट उल्टा को, दूसरे रेसिस्टर्स को लेंगे, वोल्टेज में सेम और करंट वाले में दूसरा। और अगर आई टू निकालना हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी बाई आर टू, तो यहाँ से आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर टू और इंटू आई, और नीचे में ये आर टू आ जाएगा इसका, ये वी का वोल्ट यहाँ से आर टू कट जाएगा, तो आई टू निकालना हो जाएगा तो आर वन बटा आर वन प्लस आर टू इंटू टोटल करेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, आई वन और आई टू निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं करेंट डिवाइडर रूल, करेंट डिवाइडर रूल। और पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।